आज आप लोगों को एक माइक्रोफोन दिखाएंगे, माइक्रोफोन गुजनेक माइक्रोफोन। और गुजनेक माइक्रोफोन में आप लोगों का सबसे ज्यादा तकलीफ ये होता है कि वो आवाज नहीं टानता है। तो आप लोगों का हमेशा ये क्वेरी रहता है कि सर ऐसा कोई माइक्रोफोन बताइए जिसका आवाज दूर से खींचे और उसका क्लियर आवाज आएगा। तो आज हम लोगों को एक अच्छा क्वालिटी का, अच्छा ब्रांड का एक गुजनेक माइक्रोफोन दिखाएंगे। पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर मटेरियल रिव्यू करेंगे, फिर एज यूजुअल आपका साउंड भी चेक करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रसन्नजीत मित्रा और आप लोग देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूट्यूब चैनल। ये हमारा गुवाहाटी का ब्रांच है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया इंट्रो में कि आज एक गुजनेक माइक्रोफोन दिखाएंगे और वो गुजनेक माइक्रोफोन सेनाजर कंपनी से बिलोंग करती है। तो ये करीबन 17 इंच का माइक्रोफोन है और ये फैंटम पावर में चलती है। 24 से 48 वोल्ट का उसका फैंटम पावर लगेगा और इसके साथ एक बेस भी आता है। वो बेस आप अलग बेस भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो माइक्रोफोन को आपको फैंटम पावर से चलाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये माइक्रोफोन आपको अगर पसंद है तो आप ये डायरेक्टली खरीद सकते हो घर बैठे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने आ गया ये सेनाजर का माइक्रोफोन, गुजनेक माइक्रोफोन, जिसका मॉडल नंबर है MEG 1440B और ये है उसका कंपेटेबल बेस। इसका मॉडल नंबर है MAT 133B और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर और एक बेस रखा है। ये बेस एक्चुअली 1kg का है। हम लोग इसको बाद में ट्राई करेंगे कि ये माइक्रोफोन इसके साथ भी कंपेटेबल है कि नहीं, और देखते हैं ये इसके साथ ये चलता है कि नहीं। इसको अगर नहीं चाहिए तो, अगर खर्चा कमाना है, कम करना है, तो इसको हम लोग साइड में करेंगे और दूसरा आपके पास जो भी बेस है उसके साथ ये चलेगा कि नहीं, ये थोड़ा ट्राई करते हैं। तो चले पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या माइक्रोफोन निकलता है। ये हमने माइक्रोफोन खोल लिया है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह स्पॉन्ज के अंदर है और एक छोटी सी लिटरेचर है इसके अंदर। तो इसको अभी साइड में रखते हैं बॉक्स को और माइक्रोफोन को रखते हैं। ये ऑलरेडी इसमें पॉप फिल्टर दिया हुआ है और पीछे XLR का पिन है और ये यहां से फ्लेक्सिबल होता है। ये करीबन 17 इंच का है और इसके साथ बेस जब लगाएंगे तो 2-3 इंच और बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, अभी यहां पर रखते हैं और बेस को देखते हैं। इसका बेस जो है वो भी सेनाजर कंपनी का है। और एक बात बता दूं, ये लेकिन मेड इन जर्मनी है। तो ये कुछ लिटरेचर है और ये है उसके अंदर का बेस और अंदर में कुछ है नहीं इसका। तो बेस ही एक बार देख लेते हैं हम लोग पहले खोल के। बहुत सुंदर एक देखिए पाउच के अंदर ये बेस है। मेड इन जर्मनी है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। और ये आ गया सेनाइजर का बेस। यहाँ XLR का इनपुट है और पीछे देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू किया हुआ है, लेकिन बैटरी लगाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसको चलाने के लिए आपको मिक्सर से 48 वोल्ट तक आपको फैंटम पावर देना पड़ेगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने इंस्टॉल कर ली है और ये माइक्रोफोन अभी रेडी टू यूज है। तो पहले अभी इसको देखेंगे कि इसका साउंड थोड़ा चेक करेंगे। और एक बात बता दूं आपको, ये लेकिन कार्डियोड माइक्रोफोन है और इसका जो पोलर पैटर्न है वो लेकिन ओमनी डिलेक्शन नहीं है। ये सीधा आपका यहाँ से कैच करेगा, मतलब बाजू का कोई साउंड लेगा नहीं ये, ठीक है। तो ये एक माइक्रोफोन का एडवांटेज है। और एक चीज आपके साथ शेयर करूं, जब भी आप पोडियम माइक्रोफोन यूज करते हैं तो हमेशा इसको क्रॉस करके यूज कीजिए, मतलब दो यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका पोलर पैटर्न ऐसा होता है कि आदमी जब ऐसा ऐसा घूम के बात करता है ना, तब थोड़ा ये कैच करेगा दोनों। तो हम लोग क्रॉस करके लगाते हैं, और अगर तीन यूज करते हैं तो फिर आप तीन एक के बाद एक यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके अभी साउंड चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये दूसरे जो 1kg का जो बेस है उसके साथ ये कंफर्टेबल है कि। तो दोस्तों, अभी हमने माइक्रोफोन स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लिया और अभी जो अब आवाज सुन रहे हो ये डायरेक्ट माइक्रोफोन से आ रहा है। मैं थोड़ी दूर से ही बात कर रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ा सामने जाके बात करता हूँ तो और आवाज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पीछे से बात कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि इसका जो इनपुट का पावर है वो काफी ज्यादा है। बहुत अच्छी कंपनी का ये है
और इसका जो मैग्नेट है नियोडाइमियम है और इसका वजन मोटा मोटी 350 ग्राम का माइक्रोफोन है। तो अभी ये हमने सेनेजर का जो बेस है उसके साथ ही हमने लगा के रखा है और आपने देखा कि हमने पीछे मिक्सर से फैंटम पावर से 48 वोल्ट दिया तो ये माइक्रोफोन काम। अभी हम लोग बेस चेंज कर रहे हैं तो मैं इसको अभी खोल लिया एक्सएलआर को, इसको रखते हैं, अभी दूसरा वाला जो है इसको कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट कर लिया, अभी माइक्रोफोन मैं निकाल रहा हूं, ये पुश करके मैंने माइक्रोफोन निकाल लिया और ये माइक्रोफोन मैंने इसके साथ इंसर्ट कर दिया है। अभी हम लोग वॉल्यूम देके देखेंगे कि इसके साथ भी ये काम कर रहा है। एकेजी का ST6 करके एक बेस आता है उसके साथ मैं इसको अटैच किया है और आप आवाज शायद सुन सकते हो, ये काम कर रहा है। इसका मतलब माइक्रोफोन अगर आप अलग से लेते हो ये बेस लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली माइक्रोफोन लीजिए और आपके पास जो भी बेस है उसके साथ ये। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा है गुजरेक माइक्रोफोन सेनेजर कंपनी से। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा साउंड शुरू होता है माइक्रोफोन से, तो एक अच्छी जगह में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको 2-4 साल नहीं 5 से 10 साल आपको कमा के दे। तो एक अच्छा ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करने के बाद आपको फायदा होगा और आपका इज्जत भी बढ़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आपका ब्रांड वैल्यू की बात है। और जैसे मैंने पहले बताया अगर आपको ये माइक्रोफोन पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, उसको क्लिक करके आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।